नमस्कार, हम दीपा कौर। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल में कोरोना के जोखिम भयावह बने जा रहा, सीमा नाका में कड़ाई करक लेल संसदीय समिति दलक निर्देशन। कोरोना बढ़ला संगे नेकपा एमाले द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम कैल गेल स्थगित। स्वास्थ्य मापदंड के ध्यान में रखत पार्टी कार्यालय संचालन करक लेल कलक अपील। मधेश प्रदेश में आई मनाओल जा रहा है बलिदानी दिवस। मधेश आंदोलनक क्रम में शहीद भेल परिवार के सम्मान आ आर्थिक सहयोग प्रदान करवाक कार्यक्रम। सोमालिया के राजधानी में भेल बम विस्फोट में पड़कर 4 गोटे के भेल मृत्यु, अन्य 10 गोटे घायल सबके भ रहा है इलाज। आ प्रधानमंत्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के उपाधिक लेल नेपाल पुलिस आ APF क्लब बीच आई भ रहा है प्रतिस्पर्धा। आ पूरा समाचार। संसदीय समिति सब नागरिक के लेल अतिशीघ्र कोविड विरुद्ध के खोप के आवश्यक व्यवस्था में लेवाक हेतु सरकार के निर्देशन देलक अछि। कोविड के नवका वेरिएंट से बचबाक लेल खोप अनिवार्य रहल समिति के निष्कर्ष अछि। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के मंगल दिन सिंहदरबार में बैसल बैसार से कोविड के नवका वेरिएंट ओमिक्रोन से बचबाक लेल सेहो कोविड विरुद्ध के खोप अनिवार्य रहल निष्कर्ष निकालत। सब नागरिक के लेल एहि के आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलेबाक हेतु सरकार के निर्देशन देलक अछि। समिति कोरोना खोप लगाओल जाय वाला स्थान में समेत भीड़भाड़ देखल गेल कहत एहि के व्यवस्थापन करक लेल सेहो सरकार के कहलक अछि। गर्भवती, सुतकेरी, वृद्ध वृद्धा, अशक्त आ बाल बालिका सब के घरे में पहुँच कर कोविड विरुद्ध के खोप लगे लेल सेहो समिति सरकार के निर्देशन देलक अछि। समिति होल्डिंग सेंटर सब अतिशीघ्र संचालन में आनक लेल, सीमा क्षेत्र के संक्रमण नहि होबय देबाक लेल कड़ा नियंत्रण करक लेल सेहो सरकार के सचेत करौलक अछि। पहिलो उपचार भनेको खोप नै रहेछ, त्यसकारण यो खोपलाई छिटो भन्दा छिटो सबै जनतामा पुर्याउने र यसलाई चाहिँ अब भीडभाड कम गरिकन खोप दिने व्यवस्था चाहिँ अझै पनि गरोस् भन्ने हामी समितिको तर्फबाट बैसार में समिति के सदस्य सब PCR टेस्ट के काज स्थानीय सरकार के सौंप देवाक लेल सरकार सब मांग केने छलन। ट्रेसिंग को जिम्मा स्थानीय तहलाई दिऊ र होल्डिंग सेंटर बनाउने या त्यसलाई विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा पनि स्थानीय तहलाई दिऊ र ट्रिटमेन्ट को होल निःशुल्क गराउने भनेपछि निःशुल्क हुनु पर्यो। त्यो निःशुल्कको व्यवस्था चाहिँ नि केन्द्रले गर्ने गरौँ भनेको भनेछौँ। हप्ता दिनभरि नै संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र सम्पूर्ण स्थानीय सरकारलाई चाहिँ हामीले यसरी परिचालन गर्ने कि त्यहाँ विज्ञहरू बोलाएर हुन्छ कि अब डकुमेन्ट्रीहरू सूचनाहरू त्यो हामीले त्यहाँ देखाएर हुन्छ कि त्यो सबै गर्ने। बैसारमें सांसद सबद्वारा कैल गेल प्रश्न के जवाब दैत स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव डॉक्टर रोशन पोखरेल होल्डिंग सेंटर निर्माण कार्य के तीव्रता दिल गेल आ एहि के संचालन के जिम्मा प्रदेश सरकार के देवाक व्यवस्था मिलाओल गेल बतौलन। सबभन्दा हामीलाई दुःख, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दुःख चाहिँ होल्डिङ सेन्टर समयमा नबन्दिएरै भएको छ। ती 7 वटा होल्डिङ सेन्टरहरू समयमा नबन्दिएर अहिले हेर्दाखेरि भौतिक प्रगति 60% भएको छ, तर त्यसको कार्यविधि चाहिँ बल्ल हामीले बनाएर हामीले हाम्रो धारणा स्वास्थ्यको लिएर राखेर त्यो चाहिँ प्रदेशले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसमा केन्द्रले गर्ने सहयोग के हुन्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। सचिव पोखरेल सरकार कोविड विरुद्ध के खोप के आवश्यक व्यवस्था मिलेबा काज के प्राथमिकता के साथ आगु बढौलक बतौलन। संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहलाक बावजूदो सुनसरी के सीमा नाका में कड़ाई ने कैल गेल अछि। व्यक्ति सब बिना स्वास्थ्य सावधानी के आवाजाही कऽ रहलाक कारण कोरोना जोखिम बढ़लाक बावजूदो क्यों एहि दिस कोनो रुचि नहि देखौलक, स्थानीय वासी के आरोप छन्। सुनसरी के विविध छोटका बड़का सीमा नाका सँ नेपाल भारत आवाजाही कऽ रहल समय कोनो प्रकारक सावधानी नै अपनाओल जा रहल अछि। पड़ोसी देश भारत में कोरोना वायरस के तेसर वेरिएंट ओमिक्रोन दिन प्रतिदिन बढ़ रहलाक बावजूदो नेपाल भारत सीमा नाका में कड़ाई नै कैल गेल अछि। सुनसरी में 15 नेपाल भारत आवाजाही के लेल नाका सब अछि, मुदा कोनो भी नाका में नै कोनो हेल्थ डेस्क राखल गेल अछि आ नै तऽ कोनो स्वास्थ्य जाँच होइत अछि। आवाजाही करनिहार सब तो मास्क समेत नै लगाबै छथि, ओ सब मात्र नै सीमा नाका में रहल प्रहरी तथा कर्मचारी के मुँह में समेत मास्क नै रहैत अछि। टर्म कंडीशन के बंसार कटा के जाइए मास्क यही और कुछ रुकावट ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ अभी तक नहीं। जैसे इंडिया में से हमने डबल डोज तक वैक्सीन ले चुका हूँ,
तब ऑलरेडी सर्टिफाइड है कि हमको तो वैसा डोज ले चुके हैं, हमको कोई तरह का दिक्कत तो है नहीं, लेकिन सेफ्टी के तौर पे हम जैसे सैनिटाइज का यूज कर ही रहे, मास्क यूज कर ही रहे, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे नाका के पास चाहे इंडिया का हो चाहे नेपाल का, यहाँ पे से कोरोना चेकिंग के लिए उसको टीम को बैठाना चाहिए, ये जरूरी है। सुनसरी के करीब 62 किलोमीटर क्षेत्र भारत से जुड़ल है। यही नाका सबसे दैनिक हजारों के संख्या में नेपाली आ भारतीय नागरिक आवाजाही करे छथ। पोर साल नाका सब में स्थानीय तो हेल्थ डेस्क रखने छल। यही संगे प्रहरी के उपस्थिति सेहो सीमा नाका में बेसी देखल गेल छल, मुदा यही साल ठीक विपरीत दृश्य है। नाका में रहल कर्मचारी आ प्रहरी सामान्य कागजात रुजू क आवाजाही सहज बना देने, जाहि कारण नेपाल में कोरोना के जोखिम बढ़ गेल। जोखिम तो बढ़ छ, तर आम पब्लिक ले के गर्न सक्छ, त्यो त सरकार ले गर्नु पर्छ नि। आवश्यकता छ त गरिराखेको छैन नि, कार्डहरू केही चेक गरिराखेको छैन, त्यस्तै मान्छे आवाजात भइराखेको छ। नेपालमै सेहो कोरोना महामारीको ग्राफ निरन्तर उपर दिस बढ़ रहल अछि। निर्वाध रूपमे आवाजाही भ रहलाक बावजूदो सरकारी निकाय कोनो ध्यान नै दऽ रहल अछि। इम्हर जिला प्रशासन कार्यालय बातचीत भ रहल आ तैयारीमे लागल छी कहि कऽ दावी केलक अछि। मोटरेबल बाटो भएको ठाउँमा हामीले हेल्थ डेस्क राख्ने र त्यहाँ स्क्रिनिङ गर्ने, अर्थात् लक्षणहरू देखियो भने त्यसलाई एन्टिजेन टेस्ट गर्ने, सबैको अभिलेख राख्ने, फिभर टेस्ट गर्ने, सेनिटाइजर र मास्कको उपलब्धता गराउने र खोपको पनि त्यही सुनिश्चितता गराउने नेपाली नागरिकहरूको लागि, र त्यसबाट केही शङ्कास्पद लक्षणहरू समेत केही देखियो भने उसलाई होल्डिङ सेन्टरमा लाने र त्यहाँबाट क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र ट्रिटमेन्ट सेन्टरहरूमा रूप हस्तान्तरण गर्ने। सरकारको निगरानी या तयारीमे भेल देरी या लापरवाहीके कारण सीमा नाकामे निर्वाध आवाजाही बढ़ गेल अछि। समयमे जँ सीमा नाकामे कड़ाई नै कयल गेल तँ नेपालमे संक्रमितके संख्या बढ़ सकबाक अनुमान कयल गेल अछि। सुनसरीसँ विनोद आचार्यके रिपोर्ट। कोरोना महामारीके कारण सेवा कटौती करनिहार सर्वोच्च अदालत आइसँ अत्यन्त जरूरी प्रकृतिके मुद्दामे मात्र सुनवाई करत। बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोविड 19 महामारी सँगे सम्बन्धित अत्यन्त जरूरी प्रकृतिके रिट निवेदन सहित 6 प्रकारके सेवा मात्र सर्वोच्च दऽ रहल अछि। मंगल दिन बैसल पूर्ण बैसारसँ कोरोना भाइरसके संक्रमण बढ़ैत जा रहलाक कारण माघ 5 गतेसँ माघ 18 गते धरिके लेल अपन सेवा कटौती करबाक निर्णय केलक अछि। अदालतमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन, सेवाग्राहीहरूलाई सुरक्षाको मापदण्ड अप्नाएर चाहिँ सेवाग्राहीहरूसँग डिल गर्न र आन्तरिक रूपमा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन दिने, र यसका साथै चाहिँ नि रजिस्ट्रारले आलोपालो गरी हाम्रा कर्मचारीहरूलाई आलोपालो गरी काम गर्न लगाउने र टेलिवर्क अथवा अफिस एट होमका जुन कन्सेप्ट छ त्यो अनुसार चाहिँ काम कारबाही अगाडि बढाउने निर्देशन दिने भन्ने कुरा पूर्ण बैठकले गरेको छ। तहिना मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्र सम्बन्धी काम कार्यवाही नियमित रूपमे सञ्चालन होयत। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि अनुसार थुनवा रहल व्यक्तिके निवेदन तथा प्रतिवेदन उपर सेहो सुनवाई होयत। उच्च आ जिला अदालत अन्य न्यायाधिकरणके हकमे स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमके अवस्था तथा संक्रमित भेल अवस्था समेतके मूल्यांकनके आधारमे काज कार्यवाही करबाक सर्वोच्चके पूर्ण बैसारसँ निर्णय लेल गेल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बांकी समाचार। कोरोना के महामारी पुनः बढ़लाक कारण नेकपा एमाले पार्टी आ जनसंगठन के 25 गोटे से बेसी सहभागी होबय वाला सब प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित केलक अछि। एमाले केन्द्रीय कार्यालय के सचिव डॉक्टर भीष्मराज अधिकारी पार्टी के प्रदेश आ जिला अध्यक्ष के पत्राचार करैत कोविड के तेसर वेव संबंधी नेपाल सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य मापदंड के ध्यान में रखैत कार्यालय संचालन करक लेल अपील कयलनि। पार्टी के आंतरिक विचार सभा सम्मेलन जेहन कार्यक्रम आवश्यक सतर्कता अपना क आयोजना करक लेल आ स्थानीय नेता कार्यकर्ता आ जनप्रतिनिधि के महामारी विरुद्ध आवश्यक सतर्कता अपनाबैत जनता के सेवा में सक्रिय रहक लेल सेहो एमाले अपील केलक अछि। बीतल पूस 23 गते नै भ सकल जिला अधिवेशन सब करीब 20 जिला के अधिवेशनक मिति सेहो आगू बढ़ौलक अछि। मध्य प्रदेश सरकार आई प्रदेश में सार्वजनिक छुट्टी दिलक अछि। प्रदेश सरकार मध्य बलिदानी दिवस के अवसर में आई सार्वजनिक छुट्टी दिलक अछि। आंतरिक मामला मंत्री भरत प्रसाद साह
प्रदेश मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार बलिदानी दिवस मनेबाक लेल आई प्रदेश में सार्वजनिक छुट्टी देल गेल। जानकारी देलन मधेश आंदोलन के क्रम में सिरहा के लाहान में रमेश महतो के मृत्यु भेल दिन के मधेश बलिदानी दिवस के रूप में मधेश प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष माघ 5 गते बलिदानी दिवस मनेबाक निर्णय केने छल। एहि साल सप्तरी के राजधानी में आई विशेष कार्यक्रम क दिवस मनाओल जा रहल अछि। आर्थिक समाचार। ऐतिहासिक दस्तावेज के आधार में तत्कालीन मल्लकाल सॅ नेपाल में मुद्रा प्रचलन में आयल देखल गेल अछि। नेपाल में उत्पादन क के पड़ोसी देश में अन्य सामग्री संगे मुद्रा एक्सचेंज करबाक प्रचलन रहल इतिहास में उल्लेख अछि। ऐतिहासिक दस्तावेज अनुसार लिच्छवीकालीन राजा मानदेव के समय में बनल मानांक के नेपाल के पहिल मुद्रा मानल गेल अछि। परापूर्व काल में सोन चांदी तामा पित्तल माटि छाला तथा बहुमूल्य पत्थर सबसँ मुद्रा बनाओल जाइत छल कहि कऽ नेपाल राष्ट्र बैंक टक्सार विभाग के निर्देशक विनोद आचार्य बतौलनि अछि। मानांकलाई पहिलो प्रमाणिक मुद्राको रूपमा लिन्छ जुन राजा मानदेवले चलाएका थिए भन्ने छ र वास्तवमा लिच्छवी कालदेखि नै नेपालमा चाहिँ एउटा आधुनिक भनौँ न एउटा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू राख्न राखेको त्यहाँदेखि भन्ने पाइन्छ होइन। त्यसैले अब मानदेव मानाङ्कलाई पनि भनिन्छ होला। तीन प्रकारमे मानाङ्क मुद्रा समयसँग पन्जा उठाकर ठाड रहल सिंहके आगु सादा स्थान रहल मुद्रा नेपालके प्रचलनमे आयल पहिल मुद्रा छ। दोसर मुद्रामे पन्जा उठाकर ठाड रहल सिंहके आगु फूल रहल आ पन्जा उठाकर ठाड रहल सिंहके आगु राजदण्ड मुद्रा तेसर प्रकारके मुद्रा छ। विक्रम सम्वत 2002 सालसँग कागजी मुद्राके शुरुआत भेल। नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना होइसँ पहिने कौशी तोसा खाना आ खजान्सी मुद्रा निकालै छल आ छोट दरके सिक्का सब नेपाल सरकार अन्तर्गत रहिकऽ टक्सार विभाग निकालै छल। 2002 सालमा दुई सालदेखि नै चलेको भनेको ऐतिहासिक उच्च प्रमाण छ हामीसँग। युद्ध शमशेरको पालामा पहिलो सुरु कागजी मुद्रा चलेको हो। सिक्का चाहिँ अब साना साना दरका सिक्काहरू त अहिले पनि चलन चल्तीमै छन् होइन। पहिले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क स्थापना हुनुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारको अब सायद त्यो कौशी तोसा खाना या मुन्सी अड्डा कसले निकाल्थ्यो पैसा। कागजी मुद्रा के तुलना में सिक्का के आयु 10 गुणा बेसी होइत अछि। 25 रुपैया आ 250 रुपैया के मुद्रा एखन चलन चलती में नहीं अछि। ई नोट राजा वीरेंद्र के राज्य आरोहण के रजत जयंती के अवसर में सन 1997 साल में निष्कासन कयल गेल छल। तहिना विविध कालखंड में राजा महाराजा के तस्वीर अंकित कयल गेल नोट सब प्रचलन में छल। मुदा देश संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में रूपांतरण भेलाक बाद 2072 साल सँ प्रकाशन कयल गेल नोट सब में राजा महाराजा के तस्वीर के स्थान पर हिमाल हाथी गैंडा आ गुड़ास अंकित नोट सब प्रचलन में आयल अछि। तहिना हाले में टक्सार विभाग कालापानी लिपुलेख अंकित आधुनिक मानचित्र अंकित सिक्का प्रचलन में आनलक अछि। कैमरा में शैलेन्द्र गोविंद अमात्य के साथ राधिका तामांग के रिपोर्ट। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। राष्ट्रीय समाचार। सोमालिया के राजधानी मोगादिशु में सैनिक अखाडा नजदीक भेल आत्मघाती बम विस्फोट में पड़ि कऽ कमती में 4 गोटे के मृत्यु भेल अछि। विस्फोट में अन्य 10 गोटे घायल भेलनि। सरकारी संचालित सोना समाचार एजेंसी जनौलक अछि मंगल दिन भेल आक्रमण के जिम्मेवारी सशस्त्र समूह अल शबाब लेलक अछि। आक्रमणकारी मोगादिशु के चाय दोकान में जा कऽ विस्फोटक भेष्ट में विस्फोट करौलक। घटनास्थले नजदीक तैनात रहल प्रहरी अधिकृत के उद्धृत करैत AFP समाचार संस्था जानकारी देलक अछि। घायल सब के इलाज भ रहल प्रहरी जनौलक अछि। आब खेलकूद समाचार। प्रधानमंत्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के उपाधि के लेल नेपाल पुलिस क्लब आ APF क्लब बीच एखन प्रतिस्पर्धा भ रहल अछि। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुर में टॉस हार कर पहिने APF बैटिंग कर रहल अछि। सेमीफाइनल खेल में APF विभागीय टीम त्रिभुवन आर्मी क्लब के 47 रन से पराजित करैत फाइनल में स्थान बनौलक। नेपाल पुलिस बागमती प्रदेश के 50 रन से पराजित करैत फाइनल के लेल स्थान बनौलक अछि। खेल भिनसर 10 बजे TU क्रिकेट मैदान में शुरू भेल।
नेपाल में कोरोना के जोखिम भयावह बने जा रहल सीमाना काम में कड़ाई कड़क लेल संसदीय समिति दिलक निर्देशन। कोरोना बढ़लाक संगे नेकपा एमाले द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम कैल गेल स्थगित। स्वास्थ्य मापदंड के ध्यान में रखत पार्टी कार्यालय संचालन करक लेल केलक अपील। मधेश प्रदेश में आई मनाओल जा रहल बलिदानी दिवस। मधेश आंदोलनक क्रम में शहीद भेल परिवार के सम्मान आ आर्थिक सहयोग प्रदान करबाक इस कार्यक्रम। सोमालिया के राजधानी में भेल बम विस्फोट में पड़कर 4 गोटे के भेल मृत्यु अन्य 10 गोटे घायल सबके भ रहल इलाज। आ प्रधानमंत्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का उपाधि नेपाल पुलिस आ एपीएफ क्लब बीच आई भ रहल प्रतिस्पर्धा। एखन के लेल मैथिली समाचार। एतबे अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता। समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।